आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे OLX स्कैम के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि बहुत से लोग, जैसे हम लोग होते हैं कि हमारे घर में कोई भी चीज मतलब पुरानी हो रही है, फिर हम उसे सेकेंड हैंड सेल करना चाहते हैं कहीं पे, तो हम लोग जो है उसको OLX पे जो है लिस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि OLX पे जो है हमारा फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं कि आपका बैंक अकाउंट एक बार में ही पूरा खाली हो जाएगा। बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, जो कि मेरे बिल्कुल क्लोज लोगों के साथ जो फ्रॉड जो हुआ है, जैसे दो लोगों के साथ हुआ है, एक लोग के साथ 70,000 का स्कैम हुआ, एक लोग के साथ अप्रोक्सीमेटली 50,000 का स्कैम हुआ है। कैसे हुआ है, क्या हुआ है और आपको कैसे बचना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपके साथ कोई भी स्कैम ना हो इसलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं अपडेट वर्ल्ड, हमारे चैनल अपडेट वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग कभी भी OLX पे अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो वहां पे जो है स्कैम का तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में कोई आपका बेड है वो पुराना हो गया, 2 साल का 1 साल, आप उस बेड को बेचना चाह रहे हैं, आपने उसे लिस्ट कर दिया, कुछ अमाउंट आपने सेट कर दिया, इतना इतना अमाउंट, 2,000 रुपए 4,000 रुपए 6,000 रुपए मैं इस बेड को बेचना चाहता हूं। तो सामने से क्या हुआ कि आपको कहीं से कॉल आएगी या फिर जो है आपको मैसेज आएगा कि वो OLX से जो है आपका बेड को खरीदना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, कह देंगे कि मैं आपके साथ खरीदना चाहता हूँ इस बेड को, और वो लोग जो है आपके पास एक रिक्वेस्ट भेजेंगे फोन पे या पेटीएम पे कि हमने रिक्वेस्ट भेजा पैसा एक्सेप्ट करने का, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके पास पैसा आ जाएगा। बल्कि आपको कभी भी पैसा लेने के लिए कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है, किसी को OTP नहीं बताना है, ये सिर्फ पैसा कटने के लिए, तो जब आप पैसा पे करते हैं कहीं भी तब आपको बताना होता है अपना पिन नंबर, मतलब बताना नहीं तो अपने मोबाइल में खुद ही आपको एंटर करना होता है बेसिकली। बट कोई अगर आपसे कहता है कि मैंने आपको लिंक भेजा या फिर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ रहा है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर OTP आया है वो बता दीजिए तो आपके पास पैसा पहुंच जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि ये आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही आप उस परमिशन को देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो आपके बैंक अकाउंट से जो है पैसा कट जाएगा। अब ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, मेरे एक सर है उनके साथ ये ऐसा स्कैम हुआ था। उन्होंने अपने घर के जो सोफे थे उन्होंने बेचने के लिए लिस्ट कर दिया, और एक सामने से एक लड़के ने उन्हें अप्रोच करा कि सर मुझे ये अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने जो था उसे 15,000 के आसपास में लिस्ट करा था कि वो 15,000 में बेच देंगे पूरा सोफा सेट। उस लड़के ने कहा कि सर मैं इसे देना चाहता हूँ 20,000 रुपए में आपको दे रहा हूँ। तो उन्होंने क्या करा कि सर के पास रिक्वेस्ट सेंड कर दी और सर ने रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट कर लिया। अब उससे क्या होता है कि उनके अकाउंट से जो है 20,000 रुपए डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसा जो है कटने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है कि वो आपसे पैसा ले रहा है आपको दे नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। अब देखिए दोबारा वो पर्सन कहता है कि अरे गलती से मेरे पास पैसा आ गया आपका, तो मैं दोबारा से आपको जो है रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अब की बार 20,000 नहीं 30,000 भेज रहा हूँ, ताकि वो आपके 20,000 रुपए कटे हुए आपके पास आ जाएंगे और 10,000 रुपए मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ इन सोफा सेट को खरीदने के लिए, ठीक है। इस तरीके से जब दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूँ और सर यहाँ पे दोबारा से जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस बार भी उनके अकाउंट से जो है पैसा कट जाता है। उसके बाद सामने वाला जो इंसान है वो अपने नंबर को स्विच ऑफ कर लेता है, बाद में फिर कभी ऑन ही नहीं करता है, यानी कि वो फेक सिम यूज कर रहा था। तो इस तरीके से उनके साथ फ्रॉड हो गया, उन्होंने पुलिस में FIR लिखवाई, कंप्लेन रजिस्टर करवाया, बट उससे कुछ नहीं हुआ। आज 2-4 साल हो चुके हैं बट अभी तक उसको कुछ भी हो नहीं पाया। तो ऐसे फ्रॉड से जो है आपको ही बचना है। और एक मेरा जो है बेस्ट फ्रेंड था, उसने भी अपने फ्रिज को जो है वहां पे सेल करने के लिए OLX पे डाल दिया था, ऐसा ही सेम स्कैम जो है उसके साथ भी हुआ था 70,000 रुपए के आसपास का, ठीक है। तो आप लोगों को सेफ रहना है, कभी भी OLX से आपको कोई भी अकाउंट में अगर आपके पैसे भेज रहा है तो सिर्फ आपको जो है अपना अकाउंट नंबर देना है या फिर जो है अपना स्कैनर आपको सेंड कर देना है, ताकि वो पैसा सेंड करे आपको। आपसे अगर कोई परमिशन मांगता है कि एक्सेप्ट कर दीजिए, रिक्वेस्ट आई होगी या फिर आपके पास कोई OTP आएगा, तो आपको उसको ढंग से देखना है, एक बार पढ़ना है वो क्या चीज है, फिर उस पर रिएक्ट करना है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और यहाँ पे अब आप थोड़े से अवेयर हो चुके होंगे कि OLX पे जो है कितना ज्यादा स्कैम होता है। मोस्टली जो है OLX पे जो बंदा पहली बार आता है उसके साथ मान लीजिए 80% चांस है कि जितने बंदे नए आ रहे हैं, जितने भी नए यूजर्स हैं, उनके साथ जो है स्कैम होना तय है, क्योंकि उनको पता नहीं होता और इस तरह का स्कैम उनके साथ जरूर होता है। तो इस तरीके से आप अपनी सावधानी बरतें वहां पे और इस तरीके से आप सेफ रह सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कभी भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।